हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आज है 29 सितंबर। 29 सितंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं वो सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सभी क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और सभी क्वेश्चंस के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे। और हाँ, आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इन क्वेश्चंस की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने समाज में बदलाव लाने के लिए किस भारतीय को चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पायल जांगिड़। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पायल जांगिड़। पायल जांगिड़ राजस्थान की रहने वाली है। पायल जांगिड़ राजस्थान की रहने वाली है जिन्होंने बाल विवाह रुकवाने के लिए एक अभियान छेड़ रखा है और इसी कारण पायल जांगिड़ को चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और हाँ, राजस्थान के अभी फ़िलहाल में सीएम कौन है? श्री अशोक गहलोत। इसी समारोह में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था, जिनको स्वच्छ भारत अभियान के लिए यह अवार्ड दिया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। बिहार का पहला महिला डाकघर किस शहर में खोला गया है? जी हाँ दोस्तों, बिहार का पहला महिला डाकघर किस शहर में खोला गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना। जी हाँ दोस्तों, बिहार का पहला महिला डाकघर पटना में खोला गया है। पटना बिहार की कैपिटल है और इस महिला डाकघर में पोस्ट मास्टर से लेकर पोस्टमैन तक सभी एम्प्लॉय महिला होगी। और इसका उद्घाटन किया है यूनियन मिनिस्टर रविशंकर जी ने। ठीक है दोस्तों, और बिहार के अभी हाल ही में सीएम कौन है? नीतीश कुमार जी। और राज्यपाल हैं फागू चौहान। जी हाँ दोस्तों, याद रखना राज्यपाल कौन है? फागू चौहान। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस अभिनेता को सर्वसम्मति से भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहेब फाल्के अवार्ड के लिए चुना गया है? या दोस्तों, किस एक्टर को चुना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिग बी। जी हाँ दोस्तों, अमिताभ बच्चन जिनको बिग बी के नाम से भी जाना जाता है। सिनेमा जगत के सबसे बड़े पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार से इनको नवाजा गया है और ये 65वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। और अमिताभ बच्चन जी के बारे में आपको बता दें कि इन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1969 में 7 हिंदुस्तानी मूवी के साथ की थी। और दादा साहब फाल्के अवार्ड की घोषणा किन्होंने की है? हमारे यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी ने इसकी घोषणा की है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व गेंडा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो गेंडा दिवस मनाया जाता है 22 सितंबर को। जी हाँ दोस्तों, विश्व गेंडा दिवस मनाया जाता है 22 सितंबर को। गेंडा दिवस मनाने की घोषणा हुई थी 2010 में, लेकिन इसको विश्व स्तर पर विश्व गेंडा दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत हुई थी 2015 में। और अभी 2019 में यह है 4th नंबर का गेंडा दिवस था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किसके नाम पर राष्ट्रीय एकता के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान की स्थापना की है? जी हाँ दोस्तों, बताइए किसके नाम पर राष्ट्रीय एकता के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान की स्थापना की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरदार पटेल। जी हाँ दोस्तों, सरदार पटेल भारत की एकता और अखंडता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। सरदार
वल्लभ भाई पटेल ने, और इस सम्मान की आधिकारिक घोषणा किसने की है? हमारे मंत्रालय गृह मंत्रालय ने इसकी आधिकारिक सूचना जारी की है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कौन सी जयंती के उपलक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन किया है? गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 150वीं जयंती पर। जी हाँ दोस्तों, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय पर गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन किया है, और इसी के उपलक्ष्य में गांधी जी पर एक डाक टिकट भी जारी किया है, वो भी संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में। याद रखना दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में लेसोथो में नया भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयदीप सरकार को। जी हाँ दोस्तों, जयदीप सरकार को लेसोथो में इंडियन एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली बार किस ऐतिहासिक स्मारक में बेबी फीडिंग रूम की सुविधा शुरू की गई है? बेबी फीडिंग रूम की सुविधा शुरू करने वाला ऐतिहासिक स्मारक, एकमात्र स्मारक भारत का कौन सा है? ताजमहल ने बेबी फीडिंग रूम की सुविधा शुरू की है। यह है भारत में पहला एकमात्र ऐतिहासिक स्मारक है जिसने यह सुविधा शुरू की है, और इसके साथ साथ आगरा किला और फतेहपुर सीकरी ने भी बेबी फीडिंग रूम की शुरुआत की है। भारत का पहला तो ताजमहल है, और इनके बाद है आगरा किला और फतेहपुर सीकरी। ठीक है दोस्तों, ताजमहल का निर्माण करवाया था शाहजहां ने अपनी रानी मुमताज महल की याद में, और बेबी फीडिंग रूम की आधिकारिक घोषणा किसने की है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इसकी घोषणा की है। ठीक है दोस्तों, यह देश का पहला स्मारक है जो दूध मुए बच्चों के लिए बेबी फीडिंग रूम बनवाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्ब्स के अनुसार 2019 में सबसे अधिक कमाई करने वाले अभिनेताओं की सूची में चौथे स्थान पर निम्नलिखित में से कौन से अभिनेता हैं? बताइए दोस्तों, 2019 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले बॉलीवुड के एक्टर कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अक्षय कुमार। 2019 में अक्षय कुमार ने भारतीय बॉलीवुड क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कमाई की है, और ये फोर्ब्स की टॉप 10 में चौथे स्थान पर अपनी जगह बनाई है। इस लिस्ट में प्रथम स्थान पर हैं ड्वेन जॉनसन, जो द रॉक के नाम से फेमस है, वो पहले स्थान पर है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका ने हाल ही में किस देश को करेंसी मैनिपुलेटर या मुद्रा के साथ छेड़छाड़ करने वाला देश घोषित किया है? करेंसी मूल्य मैनिपुलेटर यानी मुद्रा के साथ छेड़छाड़ करने वाला देश किसे घोषित किया है? तो अमेरिका ने चीन को करेंसी मैनिपुलेटर घोषित किया है। चीन व्यापार में अनुचित प्रतिस्पर्धी लाभ लेने के लिए अपनी मुद्रा युआन का अनुचित इस्तेमाल कर रहा है, यह अमेरिका ने इस पर आरोप लगाया है। तो अमेरिका ने इसको मुद्रा के साथ छेड़छाड़ करने वाला देश घोषित किया है। और चीन के राष्ट्रपति कौन है? चीन के राष्ट्रपति हैं सी जिनपिंग, और चीन की कैपिटल है बीजिंग, और चीन की करेंसी है युआन। तो ये थे आज के करंट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, और आप इन क्वेश्चंस की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी पॉइंट पर भी प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय।